पी वाई बी कॉम एडवांस्ड अकाउंटिंग इस सिलेबस का ये फर्स्ट वीडियो है आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा एडवांस अकाउंटिंग का कि इसके इसकेलेबस में क्या क्या कंटेंट्स है कौन कौन से टॉपिक्स हैं और क्या वो कंटेन करेगा तो फर्स्ट सेमेस्टर का ये जो एडवांस अकाउंटिंग का सिलेबस है ये कंटेन कर रहा है चार यूनिट्स इन चार यूनिट्स में फर्स्ट जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टू आई एफ आर एस फेयर वैल्यू अकाउंटिंग ये जो फर्स्ट यूनिट है इस यूनिट में अकाउंटिंग uh, स्टैंडर्ड और आई एफ आर एस से रिलेटेड ये डिटेल्स इसमें कवर की गई है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री सेवन ट्वेल्व फिफ्टीन सेवनटीन और 17 से लेकर 25 तक इस तरह से टोटल 14 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इस फर्स्ट यूनिट में कवर किए गए हैं आगे उसने दिया हुआ है सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन नेचर बट जनरली ये जो चैप्टर है ये थेरी पार्टी है लास्ट ईयर भी जो आपने स्टडी किया एस वाई में कॉरपोरेट अकाउंटिंग में वहाँ पर आपको पांच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे बस इस पार्ट में टोटल अराउंड चौदह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इसमें कवर किए गए हैं तो आगे चलकर जब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला पार्ट हम देखेंगे तो इसमें ये चीज हम स्टडी करने वाले हैं सेकंड जो है यानी ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये थ्री पार्ट ही आप इसको कंसीडर कर कर चलो क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन पेपर्स आए हैं यूनिवर्सिटी के उसमें एज ए थेरी ही इसको कंसिडर किया है उसने सेकेंड जो यूनिट है उसमें फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी लास्ट ईयर आपने कोऑपरेटिव कंपनीज फाइनल अकाउंट स्टडी किया था एस वाई में यहाँ पर ये फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी भी एक तरह का फाइनल अकाउंट्स ही है वर्टिकल फॉर्मेट फॉलो करेगा यहां पर जो फाइनल अकाउंट हम देखेंगे तो उस फाइनल अकाउंट्स में लीगल uh, प्रोविजनसेस क्या है एन क्या है रिजर्व फंड एक्सेप्टेंसेस इंडोजमेन अदर ऑब्लिगेशन बहुत सारी नई टर्मिनोलॉजीज है जो हमको सीखनी है इस चैप्टर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एक सबसे बेसिक चीज यह है कि अभी तक हमने बैंक को कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा हुआ है कस्टमर के लिए बैंक क्या काम करता है और कैसे वर्क करता है बट अब बैंक को बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है बैंकिंग एज अ बिजनेस हमको स्टडी करना है अभी तक हमने कस्टमर्स जो हम बैंक से डील करते थे जैसे अगर मैं बैंक में रुपया डिपॉजिट करता हूँ बैंक में अगर हम कैश डिपॉजिट करते हैं तो हम उसको कहते थे कि भाई हमारा सेविंग अकाउंट में है करंट अकाउंट में है जो हमारे लिए एक तरह की एसेट है बट अगर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो बैंक के लिए एक तरह की लाइबिलिटीज है जस्ट लाइक दैट तो यहाँ पर ये यह जो फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी है इस फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी में फाइनल uh, अकाउंट्स ही है और नोट बेस है जैसे लास्ट ईयर जो हम नोट्स बनाते थे यहाँ पर वो शेड्यूल्स कहलाएंगे दो स्टेटमेंट मेन बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करेंगे वर्टिकल फॉर्मेट में ही है दोनों बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत 1949 का जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसके तहत ये वर्किंग uh, ही हमको करनी है साथ में नोट्स uh, की जगह अब यहाँ पर वो शेड्यूल्स कहलाएंगे और ये 16 शेड्यूल फॉर्मेट इसमें फॉलो किया जाता है तो ये जो फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी है इसमें शेड्यूल फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट विल बी थर्ड यूनिट जो है हमारा इंश्योरेंस क्लेम इंश्योरेंस क्लेम जैसे फायर ब्रोकआउट हो जाने के बाद या आग लग जाने के बाद जो नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी को हम वो नुकसान कितना हुआ ये कैसे बताएंगे दैट विल बी टर्म एज ए क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक साथ में इसमें एक और चीज उसने तीन पार्ट में उसने दिया हुआ है एक तो क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक जैसे अगर मेरा माल है और माल का नुकसान हो गया तो फिर वो मैं कैसे ट्रीट करूंगा इंट्रोडक्शन कैलकुलेशन ऑफ एवरेज क्लॉस क्या है ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल एबनॉर्मल गुड्स क्या है

प्रॉफिट का लॉस भी उस प्रॉफिट उस लॉस को भी इंश्योरेंस कंपनी भरपाई कर कर देती है देन विल बी एज ए लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी ये दो मेन पार्ट है इस चैप्टर के लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट क्लेम फॉर लॉस ऑफ फिक्स एसेट एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है सिंपल प्रोसीजर बेस दिया हुआ है बट मेनली हम यहाँ पर डील करेंगे इस चैप्टर में लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन में इस टर्म का लास्ट यूनिट जो है वो फाइनल अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज है जिसमें मेनली दो ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में डील हम करेंगे एक तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी इट विल बी जस्ट नथिंग बट लाइक अ बैंक और कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो माल की खरीदी बिक्री करती है अब उसमें एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो सकती है दूसरी और बहुत सारी सेल्स एंड परचेसेस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो सकती है तो कोऑपरेशन क्या है यहाँ पर ये जो फाइनल अकाउंट्स है कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये भी महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत चलेगा और फाइनल अकाउंट्स जो प्रिपेयर होगा वो फॉर्मेट में ही बनेगा यानी यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का भी एक फ़िक्स फॉर्मेट है और बैलेंस शीट का भी एक फ़िक्स फॉर्मेट है बट बैंकिंग कंपनी और फाइनल अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव में फ़र्क ये है कि बैंकिंग कंपनी में हम वर्टिकल फॉर्मेट फॉलो करेंगे बट फाइनल अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में हम हॉरिजोनटल फॉर्मेट फॉलो करेंगे और इस हॉरिजोनटल फॉर्मेट से हम इस फाइनल अकाउंट्स को कम्प्लीट करेंगे तो आई होप आज का ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था ये आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ पर मैंने आज सिर्फ सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें कवर होंगे चार मेन टॉपिक्स इसमें कवर होंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी इंश्योरेंस क्लेम और फाइनल अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज तो आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं अब एक एक टॉपिक लेंगे हम और उस पर फिर मैं आपको प्रॉब्लम्स uh, है और इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है वो मैं शेयर करूंगा आई होप ये सिलेबस आपको क्लियर हुआ होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग